हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप तंबाकू या सुपारी का सेवन करते हैं, काफी लंबे समय से आप तंबाकू खाते आ रहे हैं, गुटखा खाते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांत लाल पड़ गए हैं। दांत पर लाल या काले धब्बे पड़ गए हैं, स्टेनिंग आपके दांतों में आ गई, दांत देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, कालापन है, लालपन है दांतों में, और इसे आप ठीक करवाना चाहते हैं, दांतों की सफाई करवाना चाहते हैं ताकि आपके दांत अच्छे दिखने लगे, ये जो दाग धब्बे हैं दांतों से वो चले जाएं। तो इसके लिए कुछ उपयोग कर सकते हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनका घर में आप उपयोग कर सकते हैं और घर पर ही आप अपने दाग धब्बों को दांतों से साफ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसे आप क्लिनिक में जाकर भी कर सकते हैं। अगर घर पे आप उतने अच्छे रिजल्ट्स आप नहीं पा पा रहे हैं, आपके गंदगी जो आपके दांतों पर जम गई है तंबाकू या गुटखे की वजह से, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उतनी अच्छे से नहीं जा पा रही है, घर पर आप उपयोग कर चुके हैं फिर भी नहीं जा रही है, तो कुछ ट्रीटमेंट्स आप क्लिनिक में भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे कि घर पर क्या क्या उपाय हो सकते हैं, घरेलू उपाय क्या क्या हैं जिससे आप अपने दांतों पर जमी जो गंदगी है, तंबाकू और सुपारी की जो स्टेन है, उसको कैसे हटा सकते हैं, और जो क्लिनिकली जो ट्रीटमेंट्स हैं, आप क्लिनिक पर जाके इसके क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोबरेले पस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारे उपाय, चाहे वो घरेलू उपाय हो या फिर क्लिनिकली जो उपाय हो सकते हैं, ट्रीटमेंट्स जो क्लिनिकली हो सकते हैं आपके दांतों पर जो तंबाकू और सुपारी की जो स्टेन है उसको हटाने के लिए, ये सारी चीजें अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। जब भी हमारे दांत में या हमारे शरीर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है या आपको कोई दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आपकी कोशिश यही रहती है कि आप खुद के लेवल पर उसे जितना ठीक कर सकें आप पहले करते हैं। आप खुद से ही घरेलू उपाय अपनाकर कुछ कुछ चीजें घर पर करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, मन चाहा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, या प्रॉपर तरीके से आपकी वो चीज जो आपकी प्रॉब्लम दे रही है वो ठीक नहीं हो पाती है, तब जाकर आप उसके लिए क्लिनिकली ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी कोशिश यही रहती है कि घर पर हम इसका अच्छे से उपाय कर लें, घर पर आप कुछ कुछ चीजें कर लें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, दांतों की जो प्रॉब्लम है या फिर कोई और जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो पाए। तो यही चीज आप अपने दांतों की गंदगी के लिए भी करते हैं। अगर आपके दांतों पर जो स्टेन हो गए हैं तंबाकू की वजह से, आप सुपारी बहुत ज्यादा खाते हैं जिसकी वजह से आपके दांत लाल पड़ गए हैं, आपके दांतों पर स्टेन आ गया है, दाग धब्बे आपके दांतों पर पड़ गए हैं, तो इसके लिए भी आप चाहते हैं कि इसके आप घर पर ही ठीक कर लें, घर पर ही आप कोशिश करते हैं कि आपके ये दाग हट जाए। और जब आपके दांत बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद, घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी नहीं हो पाते, तब जाकर आप इसके लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अब आप घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं, घर पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आपके कुछ हद तक ये जो दाग धब्बे हो गए हैं तंबाकू की वजह से वो चले जाए। जिसमें सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं संतरों के छिलके से। जो संतरों के छिलके हैं उससे आप अपने दांतों पर जमी जो ये लालपन है, जो ये गंदगी है, उसको आप हटा सकते हैं। आप संतरों के छिलके को डायरेक्टली अपने दांतों पर लगा सकते हैं, दांतों पर उससे मसाज कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो लालपन हो गया है दांतों में, जो स्टेन आ गया है, वो चला जाता है। दूसरा उपाय है नींबू के छिलके से। आप नींबू को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए और सूखे हुए नींबू के जो छिलका है उससे भी आप अपने दांतों की मसाज कर सकते हैं, दांतों पर डायरेक्टली उसको रब कर सकते हैं, इससे भी जो दांतों पर जमे जो दाग धब्बे हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा अदरक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, अदरक का आप पेस्ट बना लें, और पेस्ट में, अदरक के पेस्ट में आप नींबू मिक्स कर सकते हैं और साथ साथ नमक, अदरक का पेस्ट उसके साथ नींबू और नमक को आप अच्छे से मिक्स करके अपने दांतों पर लगा सकते हैं, दांतों पर उस चीज से भी अपने मसाज कर सकते हैं, इससे भी आपको कुछ हद तक फायदा मिलता है। देन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी अगर आप खाते हैं तो उससे भी, ये भी आपको एक टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट देती है,
स्ट्रॉबेरी को अगर आप चूस कर खाते हैं, चूसते हैं अगर स्ट्रॉबेरी को, तो उससे भी आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट मिलता है। आपके दांतों पर जमा जो लालपन है, जो तंबाकू की गंदगी है, वो कुछ हद तक चली जाती है। देन इनके अलावा आप बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं अपने दांतों की गंदगी को हटाने के लिए, स्टेन हटाने के लिए, दांतों को सफेद करने के लिए। बट आपको ये जो बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसको आपको रेगुलरली यूज नहीं करना है, डेली आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी भी कोई कुछ लिमिटेशंस हो। बाकी चीजें जो आपका संतरे का छिलका है, या फिर नींबू का छिलका है, या फिर अदरक का पेस्ट है, ये सारी चीजों को से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आपको इससे धीरे धीरे करके आपको इससे फायदा मिलता है। लेकिन जो साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जो बेकिंग सोडा प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड आप यूज करते हैं, इसे आपको डेली यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल डेली करते हैं, तो इसकी वजह से कुछ मसूड़ों में भी आपको समस्या आ सकती है, कुछ झंझनाहट, सेंसिटिविटी की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो सकता है, तो इसको आपको रेगुलरली यूज नहीं करना है। आप इसका यूज अगर आपके दांतों पे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, दांतों पे आपके बहुत ज्यादा स्टेन हो गए हैं, एकदम काले या लाल आपके दांत पड़ गए हैं, तो हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे डेली आपको इस्तेमाल इसका नहीं करना है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रीटमेंट से पहले आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, आपको कुछ दिन में इससे आपको फायदा मिल जाता है। लेकिन अगर आपके दांतों पे बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो गई है, जो कि आपके घरेलू उपाय से भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जितना अच्छा आप रिजल्ट सोचे थे, मन में जितना अच्छा आपका रिजल्ट आपको चाहिए था, उतना रिजल्ट आपको इन सारी चीजों से नहीं मिल पा रहा है। स्टेनिंग आपके दांतों पर ज्यादा है, लालपन आपके दांतों में बहुत ज्यादा है, जो कि ये सारी चीजों से नहीं जा रहा है, तब आपको अपने डेंटिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। क्लिनिक में जाकर आपको इसका ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। इसमें अगर आपके दांतों पर ये स्टेनिंग जमा हो रही है, तंबाकू की गंदगी जमा हो रही है, इसके लिए आपके डेंटिस्ट मशीन के द्वारा आपके दांतों की सफाई अच्छे से करते हैं, डीप क्लीनिंग की जाती है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन से आपके दांतों पर जमी जो तंबाकू की गंदगी है, जो सुपारी की वजह से आपके दांत काले हो गए हैं, लालपन आ गया है दांतों में, उसको हटाया जाता है। इसकी वजह से जो आप मशीन के द्वारा अपने दांतों की सफाई करवाते हैं, इससे आपके दांतों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, आपके मसूड़ों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बस आपके दांतों पर जमी जो गंदगी है, उसको अच्छे से मशीन के द्वारा साफ कर दिया जाता है, और इससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको ट्रीटमेंट से मिल जाता है। जो आपकी मशीन से आप सफाई करवाते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तुरंत आप देखेंगे कि आपके दांत एकदम साफ हो जाते हैं। जितनी भी गंदगी आपको तंबाकू से हो गई है, जितना भी कालापन या धब्बे आपके दांत पर पड़ गए थे, वो मशीन की सफाई से एकदम से चले जाते हैं और दांत आपके पहले की तरह साफ हो जाते हैं। अब इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज आपको समझनी रहती है कि अगर आपके जो दांत पर गंदगी जमा हो गई है, जो आपके तंबाकू की वजह से दांतों के ऊपर जो स्टेन आ गए, अगर ये स्टेन और धब्बे आपके दांत के ऊपर की लेयर पर ही हैं, ऊपर से आपके हैं, तो ये आपके सफाई से चले जाते हैं। ये आप क्लिनिक में जाके मशीन के द्वारा सफाई करवाते हैं, तो ये सारे स्टेन आपके चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके जो तंबाकू की वजह से जो स्टेन है, वो दांत के अंदर पेनिट्रेट हो गए हैं, दांत के अंदर तक स्टेन आ गए हैं, इंट्रिंसिक स्टेन बन गए हैं, दांत के अंदर पहुंच गए हैं, स्टेनिंग आपके दांत के अंदर से है, तो उसके लिए आप कितनी भी दांतों की सफाई करवा लेते हैं, घर पे भी आप साफ कर लेते हैं, क्लिनिक में भी आप इसकी सफाई करवा लेते हैं, तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं पहुंच मिलता है। क्योंकि अगर बाहर से आपके दांत गंदे हैं, सफाई होती है, दांत आपके साफ हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन वही अगर स्टेन आपके दांत के अंदर है, आपके दांत के अंदर आपको धब्बे नजर आ रहे हैं, डिस्कलरेशन हो गया है दांत का, तंबाकू के सेवन, बहुत ज्यादा तंबाकू का आप सेवन करते आ रहे हैं, दांत का कलर आपका चेंज हो गया है, इसकी वजह से स्टेनिंग अंदर पहुंच गई है, तो उसके लिए आपको दांत के ऊपर कुछ अप्लाई करवाना पड़ता है। ऊपर से आप कुछ अप्लाई करवाएंगे, कुछ चीज आप ऊपर से लगवाएंगे, ताकि जो आपके दांत धब्बे हो गए हैं, जो डिस्कलरेशन हो गया है, जो दांत का कलर चेंज हो गया है, वो ठीक हो जाए, वो चीज कवर हो जाती है और पहले की तरह आपके दांत साफ दिखने लगते हैं। तो अब क्या चीज आप लगवा सकते हैं? सफाई आपने करवा ली, फिर भी आपके जो डिस्कलर हो गया है, जो अंदर पहुंच गया है स्टेन, वो नहीं जा रहा है, तो दांत के ऊपर आप ऐसा क्या लगवाएंगे कि दांत आपके पहले की तरह आपके चमक जाए, पहले की तरह आपके दांत सफेद हो जाए? तो
इसके लिए जो सबसे इजी चीज होती है, जो आपके दांतों पर स्टेन को कवर कर लेती है या आपके दांत पे डिस्कलरेशन हो गया है उसको कवर कर लेती है, वो है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट एक फिलिंग मटेरियल है जो कि हर शेड में अवेलेबल रहता है, आपके दांत के शेड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है और इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। अगर आपके दांत में स्टेन है, बहुत ज्यादा स्टेन है, आपके दांत में कलर चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा तंबाकू की वजह से दांत का कलर चेंज हो गया है, तो इससे कंपोजिट की लेयर से आपके जो स्टेन है वो कवर हो जाते हैं। आपका कलर चेंज हो गया है दांत का, तो वो कलर हो चेंज जो आपका दांत का चेंज हो गया है वो भी चेंज हो जाता है। ये आपके दांत के ही शेड में अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ एक कॉम्पोजिट के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आसानी से अगर हम समझेंगे तो जैसे आप एक पेपर का लेमिनेशन करवा लेते हैं, उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, वैसे ही आपके दांत पर एक पतली सी कॉम्पोजिट की लेयर चढ़ जाती है जो कि इजीली आपको नोटिस भी नहीं होती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके दांत पे जो स्टेन है, आपके दांत का जो कलर लाल हो गया है, कलर जो चेंज हो गया है वो भी ठीक हो जाता है और 1 घंटे में आपको इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिल जाता है। और इससे आपके दांतों पर, आपके मसूड़ों पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, आपके दांत को इसमें डैमेज नहीं पहुंचता है। इस ट्रीटमेंट में आपके दांतों को घिसना नहीं पड़ता है, आपके मसूड़ों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और बिना ही किसी पेन के, बिना ही किसी दर्द के आपका ये ट्रीटमेंट हो जाता है और आपको जल्दी ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। ये स्पेशली आप तब करवाते हैं, ये ट्रीटमेंट आप तब करवा सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है, आपकी कोई मीटिंग है, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपके दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं, तंबाकू की वजह से लाल हो गए हैं आपके दांत और आपको तुरंत इसका रिजल्ट चाहिए। आप चाहते हैं कि 1 घंटे में आपके दांत पहले की तरह सफेद हो जाएं। सफाई से भी, मशीन की द्वारा सफाई की गई है, उससे भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब क्लिनिक में जाके आप कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट बिना ही किसी पेन के, ना ही इसमें कोई मेडिसिन होती है, ना ही इसमें दांत पे कोई असर आता है और आपको तुरंत ही अच्छा एक रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें भी आपको एक ध्यान जरूर रखना है कि आप कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, अपने दांतों के ऊपर कॉम्पोजिट की लेयर करवा लेते हैं, आपके दांत पहले की तरह सफेद हो जाते हैं, स्टेन आपके कवर हो जाते हैं, दांत का कलर चेंज हो गया है वो आपका कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने तंबाकू की जो आदत है, तंबाकू की और सुपारी खाने की जो आदत है वो कंटिन्यू रखते हैं, ट्रीटमेंट के बाद भी आप तंबाकू खाते जा रहे हैं, तो उसके कारण एक टाइम ऐसा आता है कि आपके कॉम्पोजिट के ऊपर भी स्टेन आना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉम्पोजिट जो आपने करवाया है वो भी आपका, उसके ऊपर भी दाग हो जाते हैं और उस पर भी आपके स्टेन आ जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज को अवॉइड करना है तो आपको तंबाकू खाना बिल्कुल छोड़ना चाहिए, आपको जो तंबाकू है, जो सुपारी है उसको टोटली अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपके दांत ठीक हो गए हैं, आपके दांतों के ऊपर कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट करा गया है, सफेद हो गए हैं आपके दांत, तो दोबारा से वो स्टेन आपके दांतों पर ना आए। तो अगर आपके दांतों पर तंबाकू का ये स्टेन है, तंबाकू का ये गंदगी हो गई है, लालपन आ गया है, सफाई से भी नहीं जा रहा है, खुद की सफाई आपने की है घर से, घर के घरेलू उपाय आपने अपना लिए हैं, क्लिनिक में जाके आपने मशीन के द्वारा भी सफाई करवा ली, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आप क्लिनिक में जाके अपने डेंटिस्ट से कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आपको उससे एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो उम्मीद है आपके मन में जितने भी डाउट्स थे, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड कि हमारे दांतों पर एक गंदगी सी जमा हो गई है, दांत लाल पड़ गए हैं, तंबाकू बहुत ज्यादा खाने की वजह से दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसके लिए आप क्या क्या करवा सकते हैं घर पर और क्लिनिक में आप क्या क्या करवा सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर बाहर से आपके दांत गंदे हैं तो आप घर पर दिए गए उपाय को अपना सकते हैं, उससे आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिल जाता है। बहुत ज्यादा गंदगी दांत के ऊपर है तब आप सफाई करवा सकते हैं, मशीन के द्वारा सफाई करवा सकते हैं, और वो गंदगी आपके दांत के अंदर पहुंच गई है, स्टेन आपके दांतों के अंदर हो गए हैं जिसकी वजह से लाल आपके दांत पड़ गए हैं, दांतों का डिस्कलरेशन हो गया है, तो उसके लिए आप कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करवाने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा केयर रखनी है, दांतों की सफाई आपको रखनी है, और जिसकी वजह से ये गंदगी आपके दांतों पर चढ़ी है, जिसकी वजह से आपके दांत लाल पड़ गए हैं, स्पेशली तंबाकू और सुपारी, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है ताकि वापस से, ट्रीटमेंट के वापस से आपको ये गंदगी, आपके दांत पर ये स्टेन वापस ना आए। तो अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हों इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।